हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, तो उसमें हम थर्ड सॉलिड प्रिंसिपल करने वाले हैं, जिसका नाम है ओपन क्लोज सॉलिड प्रिंसिपल। ठीक है, अगर किसी ने बाकी के दो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हो, यहीं कहीं ऊपर बटन दिख रहा होगा, उस पर टैप करके जाके देख सकते हो। बाकी हम करने वाले हैं आज ओपन क्लोज सॉलिड प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, ओपन और क्लोज से क्या मतलब है? ओपन का मतलब है कि ओपन फॉर एक्सटेंड, ठीक है, और क्लोज से क्या मतलब है, क्लोज फॉर द मॉडिफिकेशन, मतलब मॉडिफाई में कर सकता हूँ, कर नहीं सकता, मेन क्लास में मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक्सटेंड में करा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए दे देता हूँ, जैसे मान लो एक फंक्शन है, ठीक है, सॉरी एक क्लास बना लेते हैं जो हम एरिया कैलकुलेट करेगी हमारी क्लास। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करे या कुछ भी करे, और फिर उसको मैं रियल टाइम में भी एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कि हमारे व्यू कंट्रोलर कैसे यूज़ करते हैं उसको। मान लो एक एरिया है जो कि फंक्शन एरिया कैलकुलेट करेगा, है ना, एरिया कैलकुलेट किया, और मान लो ये रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा, तो वेड्थ और हाइट मैंने इसे दे दी, वेड्थ एंट है और हाइट भी एंट है। ठीक है, और रिटर्न भी है, सीजी फ्लोट करने वाला है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कर दिया रिटर्न वेड्थ इनटू में हाइट। ठीक है, वेड्थ इनटू में हाइट कर दिया। ठीक है, तो इसने एरिया कैलकुलेट किया किसका, रेक्टेंगल का, है ना। पर मान लो इन फ्यूचर में इसका क्या हुआ, इन फ्यूचर में क्या हुआ कि ये एरिया रेक्टेंगल का ना कैलकुलेट करके अब ये सर्कल का भी कैलकुलेट करेगा ना। तो सर्कल का क्या होता है, सर्कल का तो मुझे रेडियस भेजनी पड़ेगी, है ना, वो पाई आर स्क्वायर करके, मतलब एक तरीके से एरिया कैलकुलेट यहाँ से रेक्टेंगल का किया है, इन फ्यूचर में वो सर्कल का बोले, फिर अब सर्कल का ना बोल के फिर मान लो कि हम स्क्वायर का बोलने लगे, मैं मान लो का क्लास स्क्वायर एरिया, या तो फिर मैं ऐसा करूँ क्लास स्क्वायर एरिया भेजूँ, या फिर यहाँ से शेप भेजूँ, है ना, शेप भेजूँ, शेप जो कि एनी टाइप की होगी, यानी कि क्लास भी हो सक, मतलब वो स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, पर मैं यहाँ पे एफ एल्स चेक लगाऊँ कि एफ शेप, एफ शेप इज डबल इक्वल्स टू जो भी है, मान लो कि सर्कल है तो उसके लिए अलग एरिया कैलकुलेट हो, है ना। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से जो पास करने वाले हैं वो इनम पास करने वाले हैं, इनम का मतलब है इनम शेप्स, ठीक है, केस सर्कल, केस रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम यहाँ से शेप्स पास करने वाले हैं, शेप्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्विच केस लगा दिया कि एफ शेप्स इस शेप इज डबल इक्वल्स टू डॉट सर्कल है, तो ये रिटर्न करें, मान लो कि वेड इन टू वेड इन टू में वेड। ठीक है, एल्स इफ शेप इज डबल इक्वल्स टू डॉट रेक्टेंगल है, तो ये कैलकुलेट करें, जो कि मतलब ये रिटर्न करें, और बाकी केस में ये जीरो रिटर्न करें। ठीक है, तो यही है, सॉरी, है ना, कि मतलब सर्कल है तो ये रिटर्न करे, रेक्टेंगल है तो ये रिटर्न करे, बाकी केस में जीरो करे, ना। अब मान लो कि इन फ्यूचर क्या है, रेक्टेंगल के साथ साथ अब मान लो कि यहाँ पे स्क्वायर भी आने लगा, ठीक है, स्क्वायर भी आने लगा, तो अब ये बस एग्जांपल दे दिया है कि मैंने वेड इन टू वेड, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो भी फॉर्मूला रहता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर के लिए फिर से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे, एल्स इफ जो भी है स्क्वायर के लिए ये करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसी की क्लास में चेंजेस करे जा रहे हैं ना, तो लेकिन ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल ये कहता है कि आप इसको एक्सटेंड करा लो, पर इसमें मॉडिफाई ना करो। ठीक है, एक्सटेंड कैसे करा लो, देखो एक्सटेंड कराने का ये तरीका है, अब इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब एक्सटेंड कराने का मतलब ये है कि मैं एक प्रोटोकॉल बना लूँ, ठीक है, और मैंने लिख दिया प्रोटोकॉल का नाम, लिख दिया कैलकुलेट, है ना, फंक्शन क्या करेगा, ये एरिया कैलकुलेट करेगा, और जो कि रिटर्न सीजी फ्लोट लिख दो या इंट लिख दो, मैं इंट लिख रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, अब मान लो कि मैंने कोई क्लास बनाई एक जो कि रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगी, है ना, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगी, और ये किसको इनहेरिट करेगी, ये करेगी कैलकुलेट को। ठीक है, कैलकुलेट को किया, अब यहाँ पे क्या करेगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल देखो यहाँ पे इसे क्या चाहिए,
एरिया कैलकुलेट किया, इसे रिटर्न इंट कर रहा है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, हमने बना दिया वेर विड्थ इंट इक्वल्स टू जीरो दे दिया, वेर हाइट इंट इज इक्वल्स टू जीरो, एन एडी बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम रिटर्न क्या करने वाले हैं विड्थ इंटू में हाइट, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो कि मैंने उस एरिया फंक्शन को एक्सटेंड किया है यहाँ से, ठीक है। एरिया फंक्शन पहले भी सेम था और अब भी सेम ही है। अब मान लो कि रेक्टेंगल ना करके अब इन फ्यूचर में हमें सर्कल का निकालना है, तो अब क्या करेंगे, हम क्लास सर्कल निकाला हमने और कैलकुलेट किया, और यहाँ पे सेम क्या करना पड़ेगा, फंक्शन एरिया, एरिया आ ही रहा है, ठीक है। तो रिटर्न जो भी फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर जो भी है 3.14, और लेट वेर रेडियस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, 3.4 इंटू में रेडियस इंटू में रेडियस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर यही होता है। मान लो सर्कल के लिए भी हो गया। अब मान लो इन फ्यूचर में ये बोलेगा कि वो डबल है, अभी के केस में हमने ये इंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लो कि इन फ्यूचर में ये क्या बोलता है कि रेक्टेंगल सर्कल अभी स्क्वायर का बोल दे, तो हम स्क्वायर का भी निकाल लेंगे। तो क्या कर रहे हैं, उस सेम फंक्शन को इंटैक्ट है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में चेंज कर रहे हैं ना। तो यही है क्लोज ओपन क्लोज फंक्शन, ओपन क्लोज प्रिंसिपल की, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करना हमें, सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन में चेंज करते जाना है। अगर मैं इसका रियल टाइम एग्जाम्पल बताऊँ तो जैसे देखो एक्सटेंशन बनाते हैं हम किसकी, व्यू कंट्रोलर की, ठीक है, और इसके हम अंदर डाल लेते हैं UI टेबल व्यू डेलीगेट और UI टेबल व्यू डेटा सोर्स, ठीक है। अब ये देख रहे हो कि मैंने क्या किया, UI टेबल व्यू और टेबल डेटा सोर्स को एक्सटेंड करा लिया ना। अब इसके अंदर की जो फंक्शन है, अभी देख रहे हो जो भी इसके कंपलसरी फंक्शन है, इसने बता दिए कि ये दो फंक्शन है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इनके अंदर जाके डेफिनेशन में तो चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर तो डेफिनेशन में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, जो बाय डिफॉल्ट रहता है वही कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जैसे सेम इसी में ना, कि हम प्रोटोकॉल के अंदर कोई से चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे कहाँ गया प्रोटोकॉल, जैसे यहाँ पे एरिया है तो स्क्वायर के लिए भी चल रहा है, सर्कल के लिए भी चल रहा है, रेक्टेंगल के लिए भी चल रहा है। तो सेम इसमें कि UI टेबल व्यू में चाहे रो कितनी भी हों, सेल्स कितनी भी हों, पर ये चलने यही फंक्शंस हैं। तो ये एक तरह से ओपन क्लोज का मुझे एग्जांपल लगा, जो कि हाँ यूज़ करते हैं। तो यही था ओपन क्लोज प्रिंसिपल, मतलब जिसमें हम चेंज कर सकें लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉडिफाई ना कर सकें। तो ओपन फॉर एक्सटेंशन, एक्सटेंड एंड क्लोज फॉर दी मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो यही था ओपन क्लोज प्रिंसिपल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वैक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।